हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्की वान, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग SMB गवर्नमेंट PG कॉलेज नागपुर द्वारा। मैं आपको पढ़ाऊंगी सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र जो कि MA फाइनल का पेपर है, हमने अब तक फ्रेड वीगल, कांट, प्रोजी, रोजर फ्राय, बॉमगार्टन, वर्नन ली, क्लाइव वेल, फ्रायड, ये सारे पढ़े दार्शनिक, प्लेटोनिस। आज हम पढ़ेंगे लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय जो है, उनका समय 1828 से 1910 ईस्वी है और इन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उनमें उनकी जो पुस्तक है वो है शैशव, युद्ध व शांति, अ कॉन्फेशन और व्हाट इज आर्ट। कला संबंधी इन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं वो व्हाट इज आर्ट नामक निबंध में मिलते हैं। इन्होंने धर्म के बाद कला को ही बुनियादी शक्ति माना है। वे कला को आनंद का साधन न मानकर कला को जीवन की एक अवस्था घोषित करते हैं। टॉलस्टॉय के अनुसार कला वह माध्यम है जिससे कलाकार अपनी अनुभूत भावनाओं द्वारा दूसरों को प्रभावित करता है। इसलिए वो कहते हैं कि कला के अंतर्गत हमारी भावनाएं जितनी शुद्ध होगी कला भी उतनी ही शुद्ध होगी। धर्म एवं कला दोनों में ही प्रभावित करने की शक्ति है। इस प्रकार उन्होंने अपने ये विचार व्यक्त किए और उन्होंने कला को धर्म के साथ जोड़ा, समाज के साथ जोड़ा और बाद में वो व्याख्या करते हैं कि कला क्या है। कला क्या है इसके बारे में टॉलस्टॉय कहते हैं कि कला मानव जीवन की एक क्रिया है, कला एक मानवीय क्रिया है और कलाकार जो है वो अपनी भावनाओं को कला के अंतर्गत व्यक्त करता है और दर्शक को भी वो उसके अंतर्गत जोड़ लेता है। जिस भाव से कलाकार ने अपनी कलाकृति का निर्माण किया वो ही भाव दर्शक के अंदर भी उत्पन्न कर देता है। तो वो कहते हैं कि जिसका स्वरूप यह है कि एक व्यक्ति सचेतन रूप से कुछ बाह्य संकेतों से स्वानुभूत भावनाओं को दूसरों के प्रति संप्रेषित करता है और दूसरों में भी वही भावनाएं जागृत कर देता है जैसी कि वो खुद अनुभूत करता है। इस आधार पे कहते हैं कि कला हमारे सारे जीवन में व्याप्त है। टॉलस्टॉय के मुताबिक भवनों, मूर्तियों, कविताओं, उपन्यासों तथा हम जो कुछ भी रंगशालाओं, संगीत सम्मेलनों और प्रदर्शनियों आदियों में देखते सुनते हैं उन सभी में कला के अल्पतम अंश हैं जिसके द्वारा जीवन में हमारा पारस्परिक व्यवहार चलता है। कला वस्तुतः मनुष्य के मेल का साधन है, वह उन्हें एक अनुभूति में बांधती है। जीवन, व्यक्ति और मानव समाज के कल्याण की और प्रगति के लिए अनुभूति का बंधन अनिवार्य है। इस अनुभूति को अनुभूत्यात्मक एकता का सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित करते हैं। इसमें वो तीन चीजें रखते हैं, भावना की अनुभूति, बोधगम्यता और अभिव्यक्ति की अनिवार्य आंतरिक प्रेरणा। टॉलस्टॉय कहते हैं कि यह बंधन जीवन, मानव समाज तथा व्यक्ति के कल्याण की और प्रगति के लिए आवश्यक है। टॉलस्टॉय कला को एक ऐसी मानवीय क्रिया मानते हैं जो मनुष्यों में संबंध स्थापित करने और उनके कल्याण को उपलब्ध कराने का अनिवार्य साधन है। वो कहते हैं कि वास्तविक कलाकृति न केवल ग्राहक और कलाकार को एक अनुभूति सूत्र में बांधती है, वरन वह सभी ग्राहकों को एक और कलाकार को एक कर देती है। इस कला इसलिए उसे वो अनुभूत्यात्मक एक कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि कोई कलाकृति इस प्रकार का अनुभूत्यात्मक एक स्थापित कर सकी तो वही वास्तविक कलाकृति है। इसमें वो कहते हैं भावना की अनुभूति जिसमें कलाकार अपने निजी अनुभव को
पेंटिंग के अपनी कलाकृति में डालता है और वो ही भाव वो दर्शक के अंतर्गत भी जागृत करता है, उसको वो कहते हैं भावना की अनुभूति। इसका अर्थ केवल निजी अनुभूति से नहीं है, वरन कलाकार जो कुछ देखता है उसको वो हृदयंगम करके अपनी कलाकृति में उतार देता है और वो ही अनुभूति वो उस दर्शक को या ग्राहक को कराता है, तो उसे हम कहते हैं भावना की अनुभूति। फिर है बोधगम्यता। कला का काम उसे बोधगम्य या अनुभवगम्य बनाना होता है, अर्थात इसके आधार पर वो एक एकता स्थापित करता है। तीसरा है अभिव्यक्ति की अनिवार्यता। टॉलस्टॉय का मत है कि अभिव्यक्ति कलाकार के हृदय की मांग है, जिसके अभाव में कलाकार न रह सके, अर्थात अभिव्यक्ति के पीछे कलाकार की अंतः प्रेरणा होनी चाहिए। इसके बाद टॉलस्टॉय व्याख्या करते हैं कलात्मक सृजन की प्रक्रिया। इसमें उन्होंने बताया कि जो कलाकार इन तीनों शर्तों को भावना की अनुभूति, बोधगम्यता और अभिव्यक्ति की अनिवार्य आंतरिक प्रेरणा को पूर्ण करता है, वो ही वास्तविक कलाकृति कही जाती है। टॉलस्टॉय ने अनुभूत्यात्मक एकता की तीनों शर्तों को ही कलाकृति का आवश्यक तत्व माना और वो कहते हैं कि कलाकृति वह है जो कुछ नवीनता का प्रकाशन करती है और साथ ही साथ वो इन तीनों को पूरा करेगी, जिसमें वस्तु तत्व, रूप, विधान और ईमानदारी, इन तीनों का उसके अंतर्गत समावेश होना चाहिए। टॉलस्टॉय ने कला के मूल्यांकन का सिद्धांत भी बताया, जिसमें ध्येयवादी सिद्धांत, सौंदर्यवादी सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत को रखा। ध्येयवादी में उन्होंने बताया कि कलाकार से अपेक्षा की जाती है कि वह युगीन समाज को रोचक विषय व शैली प्रदान करे। यह सिद्धांत उस रचना को ही कलाकृति के रूप में स्वीकार करता है जो ऐसा विषय ग्रहण करती है, यानी कि कलाकार की जो कला है उसके अंतर्गत नवीनता का समावेश होना चाहिए। दूसरा तत्व है सौंदर्यवादी सिद्धांत या कला कला के लिए सिद्धांत। इसमें वस्तु तत्व का अभाव है किंतु सौंदर्य एवं निष्ठा जो है वो सद्भाव है। इस सिद्धांत के द्वारा आनंद प्रदायिनी रचना प्रस्तुत की जाती है। इसमें हम उसी को कलाकृति के रूप में मानेंगे जिसमें नवीनता होगी और विषय वस्तु के महत्व एवं रचनाकार की ईमानदारी इसमें विद्यमान होनी चाहिए। तीसरा है यथार्थवादी सिद्धांत। इसमें इन्होंने वास्तविकता व सत्यनिष्ठा पर बल दिया है और बताया कि भाषा के समान कला में कला भी आदान प्रदान का साधन है। इस आधार पर उन्होंने अनुभूति के तीन प्रकार बताए, एक जो धार्मिक दर्शन की अनुभूति है, दूसरा जो धार्मिक दर्शन के विपरीत है और तीसरा जो न युग के धार्मिक दर्शन के विरुद्ध है न ही उससे सीधा संबंध रखती है। इस प्रकार कला को युगीन धार्मिक दर्शन से संबंधित होना चाहिए। युगीन धार्मिक दर्शन जो उस युग में जो धर्म है उसके जो मूल्य हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, उसकी जो नैतिकता है, उसकी जो सत्यता है, उसकी जो व्यक्तिनिष्ठता है, ईमानदारी है, उस पर इन्होंने पढ़ दिया। इस पर आधार पर उन्होंने कला के प्रकार बताए। कला के प्रकार उन्होंने बताए जिसमें उन्होंने बताया कि अनुभूतियाँ ही कला में गाय है जो विश्व बंधुत्व की भावना को बल प्रदान करती है। विश्व बंधुत्व की भावना यानी कलाकृति के अंतर्गत पूरे समाज में एकता प्रदान करने की पूरे समाज को एकता प्रदान करने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उन्होंने इसमें बताया कि वे अनुभूतियाँ जो हमारी इस मान्यता से उत्पन्न होती हैं, हम सभी ईश्वर हैं, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि वे अनुभूतियाँ जो साधारण जीवन की सरल अनुभूतियाँ हैं, जिन्हें सभी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपवाद के बिना ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा उन्होंने जो बताया वो है वैयक्तिक, इसको इन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया, यानी कि कला के जो तीन प्रकार बताए, जिसमें हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो मान्यता है, दूसरा जो हमारे साधारण जीवन की अनुभूतियाँ हैं, तीसरा है वैयक्तिक। इस आधार पर उन्होंने कला के प्रकार बताए और अंत में उन्होंने बताया कि अनुभूतियों के आधार पर तीन भेद, युगीन कला, सामान्य कला
और निम्न कोटि की कला, युगीन कला जो कि ईश्वर और मनुष्य में प्रेम भाव व्यक्त करती है, जो प्रेम सम्मान और भावना आदि की प्रस्तुति करे वो ही कला है। सामान्य कला यह सरलतम अनुभूतियों को प्रस्तुत करती है, इसके द्वारा मनुष्य एकता के सूत्र में बनते हैं। फिर है निम्न कोटि की कला, यह व्यक्ति विशेष की पूर्ति करता है और टॉलस्टॉय उसे निम्नतम कला मानते हैं। इस आधार पर टॉलस्टॉय ने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने अपने निबंध वॉटिंग आर्ट में इनको अभिव्यक्त किया और उन्होंने सत्य और नैतिकता और मान्यताओं को विशेष महत्व दिया, धर्म को विशेष महत्व दिया, धर्म और कला को इन्होंने आवश्यक अंग माना और टॉलस्टॉय जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम की उपस्थिति कला के अंतर्गत आवश्यक मानते हैं, जैसा कि भारतीय सिद्धांत में भी माना गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है सत्यम शिवम सुंदरम ही सौंदर्य है। उसी प्रकार टॉलस्टॉय कहते हैं कला में सत्यम शिवम सुंदरम की उपस्थिति आवश्यक है। वे केवल यथार्थवादी सिद्धांत को ही युक्त मानते हैं और कला की प्रभाविता में विश्वास करते हैं। इस प्रकार टॉलस्टॉय के सिद्धांत में विचारों व भावना की तीव्रता पर बल दिया गया है। आशा है आपको लियो टॉलस्टॉय समझ आ गया होगा। थैंक यू।